जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकसूद अहमद चगताई है, लाहौर से तल्लक है, लाइफ बैंक का पेंशनर हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आया था तो वजीर आजम मसूद साहब का, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिसको कहते हैं, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। पेंशनर ने पूरे पाकिस्तान के पेंशनर्स आए हुए हैं। पहले तो उन्होंने कोई 3 हफ्ते पहले किया था प्रेस क्लब के बाहर, तो बहुत कामयाब हुआ था। उसमें भी पंजाब के लोग दूर दराज से आए थे, तो उन्होंने सॉन्ग्स, मैं तो रूटीन में अपना मेगाफोन वगैरह लेके गया हुआ था और अपने साथ तो भी अपना मुतालबा भी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से कि जो हमारा जितने भी मुतहद अदालतों में फैसले हैं उनको जल्द निपटाया जाए, क्योंकि ये ज़ईफ़ हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, तो इस तरह अगर उनकी ज़िंदगी में फैसला आ जाए उनको भी उनकी ज़िंदगी में रिलीफ मिल जाए। तो हमारा ये भरपूर रिकॉर्ड किया गया। और मेरे मुझे जो आजम मसूद साहब दूसरे अहदेदारों ने कहा कि सबसे ज़्यादा कवरेज आप भी हुई है, क्योंकि उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, थोड़े बहुत फोटोग्राफरों को पैसे देने पड़े, कोई अखबार वालों को देने पड़े, प्रेस रिलीज तैयार करनी पड़ी, डोर टू डोर दफ्तरों में जाना पड़ा, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। तो अभी ये 3-4 दिन पहले मैंने एक अपना मैसेज भेजा था जिसमें बताया था कि जो है ना ये अब ये वो उनका ये लोअर माल पे सिविल सेक्रेटरीट के सामने महंगाई के ख़िलाफ़ और ये इसके अलावा पेंशन ना बढ़ाने के ख़िलाफ़ और उसके साथ साथ जो तनाई नहीं बढ़ी 5% हुई है, दूसरे सूबों में 17.5% हुई हैं, तो उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ ग्रुप जो है ना उन्होंने धरना दिया हुआ है। ये सिर्फ मुजाहरा नहीं था बल्कि धरना था। तो उस दिन इतवार से मेरे पास पैसे नहीं थे पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि उससे पहले जो मेरे पास थोड़े से पैसे थे तो मैंने मेगाफोन की बैटरी भी चेंज कराई और एक साउंड सिस्टम उसकी भी बैटरी डलवानी पड़ी। इसका फिर साउंड सिस्टम ख़राब हो गया था, उसके रिपेयर के पैसे खर्च हुए। मैं कही बैटरी मैंने काफ़ी ढूंढी, अब तो मुझे बैटरी नहीं मिली, फिर सेल खरीदे, तो इस टाइम मुझे तो थोड़े बाद मेरे पास पैसे थे वो खर्च ख़त्म हो गए थे। तो फिर रियाज मसूद साहब ने शिकवा किया कि भाई आप उस दिन आए ही नहीं, ना आपने बताया क्यों नहीं आए, क्योंकि मैं डबल माइंड हो गया, मैं तैयार तो बैठा था जाने के लिए तो, लेकिन मैं जा नहीं सका। तो बहरहाल मैंने फिर वॉइस मैसेज के लिए बता दिया था। तो रियाज मसूद साहब कह रहे हैं कि क्योंकि आज इसमें बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, एक अलामा ज़हीन है जो बहुत बड़ा नाम है, उनका खिताब है 2 बजे और उसके बाद जो है ना 2:30 बजे हम लोग, क्योंकि ये दूसरे लोगों से आए हैं शहर से इस्लामाबाद से शाहपुर, उनको नाम भी बताए हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई उनको हमने ना यानी कि उनके उस धरने में हमें लाजमी शामिल होना है, वरना उनका ये हमेशा से शिकवा रहेगा कि आप लोग जो ना आप जब हमत हैं हम आपका साथ देते हैं। छोटे शहर में टाइम निकालना वक्त देना आसान होता है, बड़े शहर में बात करना मुश्किल होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बेची का मुजाहरा करें। तो कम से कम कोई कुछ लोग जो है 40-50 लोग या जो एग्जेक्टिव बॉडी हो लाजमी पहुँचे वहाँ पर, उनका भरपूर साथ दे। तो इस तरह से और इस तरह से हम दोबारा मुजाहरा ले लेना चाहते हैं, ज़ाहिर हर चीज़ के जिससे मैंने पहले बताया मुजाहरे के लिए कुछ लवाजमात हैं, कुछ फोटोग्राफरों के पैसे कुछ हो रहे हैं। तो बहरहाल ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, असल चीज़ तो मिशन है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बड़े कॉज के लिए हमारा चाहिए, हमें अपनी जान की कुर्बानी ना देनी पड़े, तो हमें जो है ना हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए और काम करना चाहिए। तो आज इंशाल्लाह उन्होंने तो टाइम दिया है 3 बजे का, और उससे पहले बताया कि 2 बजे ना लामा ज़हीर साहब कुछ बड़े बड़े कायदीन भी आ रहे हैं खिताब करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा मैं 2 बजे से पहले पहुँच जाऊँ ताकि उसमें पूरा हालात भी देख लूँ, कब मेरा क्योंकि मीडिया से भी ताल्लुक है, अपना चैनल भी है, तो अपने चैनल के लिए भी कवर कर लूँ, और उसके अलावा मीडिया जो अखबार आते हैं उन तक भी पहुँचा दूँ, जो उन्होंने कहा है जो उनकी ज़रूरियत है उसके मुताबिक ये, ताकि उनको जो इस वक्त मैन पावर की ज़रूरत है जो उनके भरपूर साथ दे। तो मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो, और मैं इस कॉल में तान कर रहे हैं हमारे पेशावर के लोग काम कर रहे हैं, पेशावर से कराची के लोग काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद के काम कर रहे हैं, सियालकोट में लोग बैठ के कर रहे हैं, गुजरावाले में कर रहे हैं, और सब लोग अपने तौर पर ज़्यादा कर रहे हैं, मसूर अहमद साहब, कुरैशी साहब, तमाम लोग इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, हमारे रूहरवा जनाब मियाँ रशीद साहब, मियाँ इफ्तार साहब और फलूक न्याज साहब और मियाँ जफर और मोहम्मद जफर साहब जो कि पाइनियर हैं, जो कि फ्रंट फुट सोल्जर हैं पेशावर के। तो मैं सबको सलाम पेश करता हूँ और इस दुआ के साथ कि आप इसका आप भरपूर साथ देंगे और यहाँ पे खुद भी पहुँचेंगे
और ये जो पेंशनर्स अपनी राइट के लिए और ख़ासतौर पर जो बैंक के मरीज मुतालबात हैं और मरीज मुकदमा दे रहे हैं तो बैंक लेट हो रहे हैं, तो उनको जो है ना जल्दी निपटाया जाए, जल्दी ख़त्म किया जाए। हम भरपूर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करती हैं और मुतालबा करते रहेंगे हमेशा कि उनके फैसलों को जल्द किया जाए, बुज़ुर्ग हज़रात को, पेंशनर्स को, जो बुज़ुर्ग हैं और जो दुनिया से फारग हो रहे हैं, जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं, खुराक के पैसे नहीं हैं, आने जाने के पैसे नहीं हैं, जो घर वालों के भी बोझ हैं, माशरे के भी बोझ बन गए हैं और एक यानी कि फारग पुर्जा बन गया है, तो उनको दोबारा फाल किया जाए, वो साहिल होंगे तो वो दोबारा माशरे का फाल हिस्सा बन जाएंगे, उनके स्पिरिट्स अक्सर डाउन है लेकिन उनके दोबारा स्पिरिट्स बहाल हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका भरपूर साथ देंगे और आज सिविल सेक्रेटेरिएट के फ्रंट पे लोड माल लाहौर लाजमी पहुँचेंगे, तो ये आपका इंतज़ार रहेगा। तो टाइम उसका जो है ना वो यानी कि लोगों के लिए आप तमाम लोगों के लिए 2 बजे का है, 2 बजे आप तशरीफ लाएँ, पानी की बोतल, छतरी, बरसाती साथ लेके आएँ, मौसम का कोई पता नहीं है, शरीर गर्मी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, साढ़ा हक ऐसे रख, अदालतों के फैसलों को इज्जत दो, अदालतों के फैसलों को इज्जत दो। थैंक यू, शुक्रिया, सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।